अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूफ टॉप गोट फार्मिंग। क्या हाल है सबका? तो अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो डेली रूटीन के ऊपर है। तो अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 बजे में। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ी सी तोड़ी डालता हूँ इस टाइम मैं इसको, ठीक है। इसको ज़रा इस तरह क्या कहते हैं आपके, गिराता हूँ। उससे होता ही है कि जो बहुत बारीक मिट्टी के ज़र्रे होते हैं या तूड़ी के, वो निकल जाते हैं, तो किसी हद तक वो फ़ायदेमंद रहता है। उसके बाद इसमें चोकर डालता हूँ, इसको बुक कहते हैं। एक मुट्ठी तकरीबन 2 मुट्ठियाँ इसको चोकर, और ये वंडा है इसका, मिक्स वंडा जो बाज़ार से मिलता है, ये भी तकरीबन 2 मुट्ठियाँ इसको डाल दूँ मैं इस टाइम सुबह। उसके बाद ये मिक्स तेल है, ये मैंने इसको डालना शुरू किया हुआ है, और इसके अंदर थोड़ा सा शीरा भी है। तो ये इस बोतल का जो है ना एक ढक्कन, ये मैं इसको इसमें डाल के मिक्स कर देता हूँ। ये जो है ना इसका बंडा रेडी हो गया, तो ये अब मैं उसको डाल दूँगा। और इसमें मैं कोई वजन का खास ख्याल नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1 पाव से तो ज़्यादा ही होगा ये, ज़रा कुछ मिला के बकरी जब से अकेली है तब से मैं इसको वाड़े के अंदर खुले छोड़ता हूँ, बंद नहीं करता हूँ। इसके आगे से पट्टे जैसे कराने वो साइड से करके ये मैंने डाल दिया। उतनी देर में ये ज़रा बाहर अपना थोड़ा सा चक्कर मार लेती है, वो आप देख सकते हैं इसके भी थोड़ा गिरे होते हैं, वो खा लेती है, तो पत्ते से खा लेती है। बांध दिया, ये अब खा लेगी अपना वंडा, पानी रख दिया इसके आगे, पानी शानी पी लेगी। ये देखें, ये मैंने हे बना के रखी हुई है सारी मुख्तलिफ़ किस्म की। तो अभी इसको वंडा दिया है, तो अब इसको सुबह के टाइम जो है ना मैं ये जवी की है थोड़ी सी दे देता हूँ, ठीक है। ये बाज़ार से जवी ला के जो पुत्री भी होती है उसकी मैंने हे बनाई हुई है, तो इस टाइम जो है ना इसको ये देता हूँ। और इसने अपना वंडा जो है वो खा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये इसको जबेगी है, ये देखें आप, ये भी खा रही है, तो ये खाएगी अब। नाश्ता इसका हो गया, इसको मैंने बाहर ला के बांध दिया, अंदर सफाई भी कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो इसको अंदर ही रखते हैं हम जब तक बाहर छाँव नहीं आती। तो पानी खाने इसके आगे रख दिया, तो अब जो है ना इसको दोपहर में कुछ डालेंगे जी। ये मैं कुछ हरे पट्टे लाए हूँ मान के करीब हे बनाने के लिए, उसके भी आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा किस मकसद के लिए है वो। और ये थोड़े से हरे पट्टे मैंने इसको डाल दें लाए हूँ, तो तकरीबन 12 बज रहे हैं, 11:30 का टाइम होगा, तो ये ज़रा रूटीन से हट के थोड़ा सा हो जाता है सिस्टम जी। तो अभी ये टाइम हो गया है तकरीबन 4:30, 3:30, तो इस टाइम इसको जो है ना छिलके जो भी सब्जियां और फल होते हैं उसके छिलके वगैरह पकाया जाते वो मैं इसको डालता हूँ। तो आप लोग एक चीज़ नोट करें कि ये कोई इतनी ख़ास भूखी नहीं है, आप देख सकते हैं पेट इसका, ठीक है, कोई ये नहीं कि अंदर गया हुआ है, लेकिन ये कि इसकी लपक जो है ना माशाल्लाह खाने पर वो जो है ना रहती है। उसकी वजह ये है कि मैं इसको 24 घंटे इसके आगे जो है ना नहीं रखता हूँ खाना, उसकी वजह से ये होता है कि ये हल्की हल्की भूख रहे ना तो जानवर शौक से खाता है, नहीं तो फिर उसकी पसंद की चीज़ भी होगी ना तो वो आप जो है ना खाना पीना ज़रा कम कर देता, छोड़ देता है। तो जो भी छिलके वगैरह होते हैं ये अभी जिस तरह आपने देखा खरबूजे वगैरह के थे, केले के, ठीक है, वो हो गया खीरा वगैरह हो गया, तो ये चीज़ें जो है ना इसको मैं देता हूँ तो 4 बजे के अराउंड में। तो वो उसने छिलके छिलके खा लिए हैं, अभी इसको मैंने डाली है गंदम और जवी की है जो बनाई थी।
तो आप लोग देख लें कैसे शौक से वो खा रही है। 6:45 हो रहे हैं तो अभी इसको फिर थोड़ा सा कुछ खाने के लिए डाल दूँगा, बल्कि आप लोगों के सामने ही डाल देता हूँ। अब इसको डालते हैं, बरसीम की है जो हम बना रहे थे, तो इस तोड़े में से ये देखें। अब ये इसके अंदर मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि इस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि इसमें देखें बारीक बारीक पत्ते इस साइड पे, मेरे अंगूठे की साइड पे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको आपने बचाना है कि ये जो है ना ज़ाया ना हो जाए, इसलिए मैं कपड़े के ऊपर जो है ना डाल के शेप बनाता हूँ, इन्हीं में ज़्यादा गजाइए थे। और ये देखें शौक से खा रही है। तो 6:45 का टाइम है, ये इसका आखिरी खाना है और एंड पे मैं वरना दूंगा, बाकी पट्ठे पुठोंगे मुनासबत से ये इसका आखिरी खाना है दिन का। कि आप 3 टाइम कम से कम कोशिश करें कि मुख्तस करें इसके खाने के लिए, एक सुबह, एक दोपहर में और एक शाम में। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं कि आप वक्फे वक्फे से दे सकें इसको, जिस तरह मैंने आप लोगों को आज दिखाया, तो वो ज़्यादा बेटर है। उसकी वजह ये है कि जानवर जो है ना ये चरने वाला जानवर है, तो इंसान नहीं है कि जिसने 3 टाइम मुख्तस किए हुए और वो उसमें गुजारा कर रहा है। जानवर जो है साथ में चरते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो कोशिश करें 4 से 5 दफ़ा इसको जो है ना बकरी को आप पट्ठे वगैरह दें। उनकी आप क्वांटिटी उस हिसाब से कम कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल रहा हूँ, तो हज़म करने में भी आसानी होती है और यह कि ये सारा दिन मसरूफ़ भी रहता है। 7:45 बल्कि हो गए हैं, मगरब की अज़ान भी बल्कि हो गई हुई है, तो मैं बस रकाम मसरूफ़ था। इसको अब खोला हुआ है, ज़रा चल कदमी कर रही है, कुछ तूत वगैरह नीचे गिरे हैं वो खा रही है, और इसका जो वंडा है वो मैंने खुरली में डाल दिया हुआ है। रोशनी कम है, मैंने फ्लैश ऑन नहीं की हुई, लेकिन आई होप आप लोग देख सकते हैं हल्का फुल्का मैंने वंडा जो है ना खुरली में डाल दिया है। और ये सेम जिस तरह सुबह का वंडा था वही है, 2 मुठियाँ इसके अंदर चोकर की हैं, 2 मुठियाँ वंडे की हैं, और क्या लेंगे 1 मुठ्ठी से थोड़ी ज़्यादा तूड़ी है। तो ये सेम जो सुबह का वंडा होता है वही मैं इस टाइम भी उसको दे रहा हूँ। और एक जो आजकल मैंने इसको देना शुरू किया हुआ है इजाफी, वो है जी थोड़ी सी रोटी। सॉरी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा तो, लेकिन ये कि ये इसको रोटी मैं देता हूँ इस टाइम थोड़ी सी, जो कि ये बड़े शौक से जो है देखें आप कैसे खाती है। तो इसकी भी एक ख़ास वजह है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो ये किस लिए दे रहा हूँ इसको मैं इस तरह खुश्क रोटी जो है, तो बस ये आप लोगों को मैंने रूटीन जो है ना सारी इसकी वो दिखा दी है, ना सिर्फ बताई है बल्कि दिखाई है। और मकसद इसका सिर्फ ये था कि आप लोगों को सही से आइडिया हो जाए कि कितने मकदार में और किस किस टाइम जो है ना मैं इसको खाना वगैरह देता हूँ। तो अब ये इसको बस पिंजरे में बंद कर दूँगा शेड में, तो वहाँ पे ही अपना पंडा शंडा खाएगी और सुबह फिर आके दोबारा से वही रूटीन इसकी शुरू हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय से आगाह करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।